हेलो स्टूडेंट्स, आज आगे कंटिन्यू करते हैं हम चैप्टर 6 को। कल हमने अकबर तक पढ़ा था, मुगल क्रिएशन हम लोग पढ़ रहे थे, मुगल एम्पायर के बारे में, बाबर के बारे में पढ़ा था, फिर हुमायूं के बारे में, फिर अकबर के बारे में। अब हम जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अकबर वाज सक्सीडेड बाय हिज सन मोहम्मद सुल्तान सलीम। ही एसेंडेड The throne in 1605 at the fort of Agra and assumed the name Jahangir, holder of the world, and the title of Nuruddin, light of the faith. अकबर के बाद जो शासक बने उनका नाम था मोहम्मद सुल्तान सलीम, और वो थ्रोन पे, गद्दी पे 1605 ईस्वी में बैठे आगरा में, और उन्होंने अपने को एक नाम दिया जहांगीर। जहांगीर का अर्थ होता है होल्डर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का होल्डर। एंड द टाइटल ऑफ नूरुद्दीन, और एक टाइटल लिया नूरुद्दीन का, जिसका मतलब होता है लाइट ऑफ द फेथ, विश्वास का प्रकाश। अकबर ऑलवेज एड्रेस्ड हिम एज शेखू बाबा, और अकबर हमेशा जहांगीर को शेखू बाबा के नाम से बुलाते थे। अकबर के बेटे थे, अकबर के दुलारे बेटे थे, अकबर जो इनको थे शेखू बाबा के नाम से बुलाते थे। जहांगीर मैरिड नूर जहां इन 1611, 1611 में जहांगीर ने नूर जहां से शादी की। हर रियल नेम वाज मेहरुन्निसा। जहांगीर मेड हर द चीफ क्वीन एंड गेव हर द टाइटल ऑफ नूर जहां, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। उनका जो असली नाम था नूर जहां का, वो मेहरुन्निसा था, और जहांगीर ने उन्हें चीफ क्वीन यानी मुख्य रानी बनाया। कई सारी रानियां होती थी, इनमें सबसे चीफ उन्होंने नूरजहां को बनाया एंड गेव द टाइटल ऑफ नूरजहां। नूरजहां उनको टाइटल दिया, क्योंकि उनका असली नाम तो मेहरुन्निसा था, और नूरजहां का अर्थ होता है द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की प्रकाश। सी वॉज एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल, और जो वो थी बहुत टैलेंटेड थी और ब्यूटीफुल, खूबसूरत भी बहुत थी। पर्शियन आर्ट एंड कल्चर फ्लरिश्ड अंडर हर इन्फ्लुएंस। पर्शियन आर्ट कल्चर फल फूल रहा था उनके प्रभाव में। सी स्ट्रक कॉइन्स एंड ऑल्सो मेड लैंड ग्रांट्स। सी एंड हर फैमिली मेंबर हैड इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। और जो नूरजहां थे उन्होंने कई सारे कॉइन पे भी उनका ये आता था, पिक्चर आता था, और वो और उनके फैमिली के जो मेंबर थे वो हायर पोस्ट पे होते थे। सी वॉज एबल टू इन्फ्लुएंस इफेक्टेड जहांगीर इन हिज डिसीजन, और वो जो जहांगीर के डिसीजन में भी उन्हें प्रभावित करती थी, इफेक्ट करती थी। हर एफर्ट्स टू प्रोमोट हर सन इन लॉ शाहयार टू द थ्रोन मेड प्रिंस खुर्रम रिवोल्ट अगेंस्ट जहांगीर। और वो चाहती थी हर सन इन लॉ, जो उनका सन इन लॉ है शाहयार, उनको थ्रोन पे बैठाना चाहती थी और प्रिंस बनाना चाहती थी। ठीक है, देखते हैं। इन 1606 जहांगीर सन प्रिंस खुसराव एस्केप फ्रॉम आगरा। 1606 में जहांगीर के जो बेटे थे प्रिंस खुसराव, वो आगरा से भाग गए। जहांगीर फॉलोड एंड डिफीटेड हिम एट द बैटल ऑफ भैरोवाल। एज मेनी नोबल्स वी आर ट्राइंग टू मेक खुसरू द एम्परर इन प्लेस ऑफ जहांगीर, लेकिन जहांगीर ने उनका पीछा किया और जाके भैरोवाल के युद्ध में उनको हराया, क्योंकि बहुत सारे जो विद्वान थे, बहुत सारे जो नोबेल्स थे, उनको हटाकर खुसराव को राजा बनाना चाहते थे। जहांगीर फाइंड एंड टॉर्चर्ड गुरु अर्जुन देव हु हैड हेल्प खुसरो। और जहांगीर ने काफ़ी टॉर्चर किया गुरु अर्जुन देव को, एक सिख के गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनको काफ़ी टॉर्चर किया जिन्होंने खुसरो की मदद की थी। जहांगीर कंसोलिडेट हिज टेरिटरी एंड डेवलप्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिज फादर। जहांगीर ने अपने टेरिटरी को कंसोलिडेट किया और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को डेवलप किया, विकसित किया, जैसे उनके पिता करना चाहते थे। द कोर्ट कल्चर ऑफ द मुगल फ्लरिश्ड अंडर हिज रूल, और जो कोर्ट कल्चर था, जो दरबारी प्रथा थी, वो इनके शासनकाल में और फली फूली। ही हैड अ नीन इंटरेस्ट इन गार्डन, उन्हें गार्डन में बहुत सारा इंटरेस्ट था। मुगल पेंटिंग रीच इट्स जीन्स ड्यूरिंग हिज टाइम, और मुगल पेंटिंग कला जो थी इनके शासनकाल में अपने पीक पर थी।
ही मैरिड नूर जहां, लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और हमने पहले ही बात किया उनकी शादी नूर जहां से हुई थी। जहांगीर री स्टार्टेड द वॉर विथ राजपूत, द अफगान अमीर्स ऑफ बंगाल अपोज द अथॉरिटी ऑफ द मुगल, और जहांगीर जो थे वो राजपूत के साथ फिर से युद्ध री स्टार्ट किए, और जो क्योंकि जो इनके फादर के बारे में हमने पढ़ा था, इनके फादर कौन थे, अकबर के बारे में, तो हमने उनके बारे में पढ़ा था कि कैसे वो सभी को लेके चलते थे, सभी को मिलके चलते थे, यूनिटी पे विश्वास रखते थे। लेकिन जहांगीर ने राजपूत के साथ फिर से युद्ध चालू कर दिया। द अफगान अमीर ऑफ बंगाल अपोज द अथॉरिटी ऑफ द मुगल, द डिस्टर्बेंस इन द डेक्कन कुड नॉट बी कंट्रोल। जहांगीर डाइड इन 1627 ड्यू टू एक्सेसिव ड्रिंकिंग एंड हिज सन शाहजहां सक्सेडेड द थ्रोन, और जहांगीर की मौत 1627 ईस्वी में हो गई एक्सेसिव ड्रिंकिंग, यानी शराब ज़्यादा पी लिए थे इसलिए वो तो उनके देहांत हो गया और उनके बेटे शाहजहां गद्दी पर बैठे। खुर्रम द थर्ड सन ऑफ जहांगीर टुक द टाइटल ऑफ शाहजहां। खुर्रम जो कि जहांगीर के तीसरे बेटे थे, उन्होंने जहांगीर शाहजहां का टाइटल धारण किया। हिज मदर वाज द डॉटर ऑफ उदय सिंह द रूलर ऑफ जोधपुर, और जो शाहजहां की माँ थी वो उदय सिंह की बेटी थी जो कि जोधपुर के शासक थे। शाहजहां हैड टू फेस द रिबेलियन ऑफ जुझार सिंह ए बुंडेला चीफ एंड अ लहान लोधी एन अफगान चीफ, और शाहजहां को काफ़ी रिबेलियन का सामना करना पड़ा, विरोध का सामना करना पड़ा, जैसे जुझार सिंह थे जो बुंडेला चीफ थे और जहान लोधी थे जो कि अफगान चीफ थे। अंडर शाहजहां द डेकन पॉलिसी ऑफ द मुगल इंटर अ न्यू फेजेज, ही एनेक्स्ड अहमदनगर एंड दौलताबाद, ही फोर्स टू रूलर ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा टू एक्सेप्ट ही सुप्रीमेसी। उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा के शासकों को फोर्स किया कि वो उनके अधीन हो जाए। इन 1636 शाहजहां रिटर्न टू आगरा एंड अपॉइंटेड औरंगजेब एज द गवर्नर ऑफ डेक्कन, और 1636 में जो शाहजहां थे वो आगरा वापस लौटे और औरंगजेब अपने बेटे को डेक्कन का गवर्नर बना दिया। द मुगल एम्पायर रीच इट्स ग्रेटेस्ट प्रोस्पेरिटी ड्यूरिंग द राइन ऑफ शाहजहां, और जो मुगल एम्पायर था वो एक समृद्धि का दौर था शाहजहां के राइन के दौरान। हिज मिनिस्टर वेयर इफिशियंट एंड एबल, उनके जो मिनिस्टर थे मंत्री थे काफ़ी योग्य थे। ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम बट वॉज फेयर टू नॉन मुस्लिम, वो एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम यानी कट्टर मुस्लिम थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि दूसरे धर्मों के साथ वो गलत करते थे, बट वॉज फेयर टू नॉन मुस्लिम, लेकिन जो नॉन मुस्लिम थे उसके साथ भी फेयर करते थे, अनफेयर नहीं करते थे। ही इंक्रीज द मैग्निफिशेंस ऑफ द कोर्ट, द पीकॉक थ्रोन, द ताज महल एट आगरा, द रेड फोर्ट एट जामा मस्जिद इन दिल्ली एंड न्यूमरस अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर टेस्टिफाई हिज वेल्थ एज वेल एज एथेस्टिक सेन। उन्होंने कई सारी शानदार चीज़ें बनाई, जैसे मयूर सिंहासन, आपने सुना हो या नहीं सुना हो, मयूर सिंहासन काफ़ी फेमस एक थ्रोन था जिसे इंग्लिश में पीकॉक थ्रोन भी कहते हैं। ताजमहल कौन नहीं जानता, पूरे विश्व में विख्यात है ताजमहल का, आगरा में निर्माण उन्होंने ही कराया। रेड फोर्ट भी भारत की शान है, लाल किला उनका भी निर्माण उन्होंने ही कराया। जामा मस्जिद जो कि सबसे बड़ी मस्जिद है भारत की, उसका भी निर्माण उन्होंने ही कराया और बहुत सारे चीज़ें बनवाई। ही इज नॉन एज द इंजीनियर किंग, उन्हें इंजीनियर किंग के नाम से भी जाना जाता था। ही वॉज एन एक्सीलेंट कैलीग्राफिस्ट, वो एक एक्सीलेंट कैलीग्राफिस्ट थे। ही गेव पेट्रोनेज टू स्कॉलर आर्टिसन एंड क्राफ्ट्समैन, पोट्री म्यूजिक पेंटिंग डांस एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन फ्लरिश अंडर द इंटेलिजेंट एम्परर, और वो जो विद्वान और कलाकार होते थे क्राफ्ट्समैन होते थे वो उनको उपहार देते थे, पेट्रोनेज देते थे, और ये सब जो पोट्री हुआ, म्यूजिक हुआ, पेंटिंग हुआ, डांस हुआ, एस्ट्रोनॉमी हुआ, उनके शासनकाल में काफ़ी फला फूला। ठीक है, लर्निंग फैक्ट पढ़ते हैं। शाहजहां बिल्ट ताजमहल एट आगरा इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल, तो ये कहानी तो हमने बहुत बार में पढ़ा है कि जो शाहजहां थे उन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया था अपनी बीवी मुमताज महल के याद में। इन सितंबर 1657 शाहजहां फेल इल, 1657 में जो शाहजहां थे वो बीमार पड़ गए। इमिडिएटली हिज सन स्टार्टेड मेकिंग प्रिपरेशन फॉर कैप्चरिंग द थ्रोन, और उसके बाद जैसे ही वो बीमार पड़े, जो उनके बेटे थे
वो थ्रोन पर सिंहासन पर कब्जा करने की तैयारी करने लगे। इन 1658 औरंगजेब टुक ओवर द थ्रोन एंड इम्प्रिजेंट हिज फादर हु डाइड इन कैप्टिविटी इन 1666। और क्या हुआ, 1658 में जो औरंगजेब था उन्होंने अपने पिता को जेल में डाल दिया, कैदी बना लिया और थ्रोन पे कब्जा कर लिया। और 1666 में शाहजहां की मौत हो गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग कल औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें आपको जानने को मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।